हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 15, जिसका नाम है सैटरडे 20 जून 1942। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को सबसे पहले हम लोग इंट्रो से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है जैसे कि द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल इज अ बुक ऑफ अ डायरी इंट्रीज रिटन बाय जेविस टीनेजर एनी फ्रैंक व्हाइल सी एंड हर फैमिली इज स्टेड इन हाइडिंग फॉर 2 ईयर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। यानी इसमें, यानी इस चैप्टर में क्या होता है, एक 13 ईयर की लड़की होती है जिसका नाम एनी फ्रैंक रहता है, ठीक है। वो क्या करती है, जितनी भी चीज़ें उसके साथ घटित होता है वर्ल्ड वार के थ्रू या वर्ल्ड वार के दौरान, तो वो जो सारी चीज़ें होती है एक डायरी में नोट करती है। वेन द नाजीज हैड ऑक्युपाइड द नीदरलैंड, यानी ये जो बात है तब का है जब जो नाजिस होते थे वो नीदरलैंड पर कब्जा कर लिए थे। द फैमिली वॉज अप्रहेंडेड इन 1944 एंड टेकन टू अ कॉन्सेंट्रेशन कैंप। यानी उस समय की बात है, 1944 की बात है, जब इनके फैमिली को, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप ले जाया गया। कॉन्सेंट्रेशन कैंप क्या होता है, एक तरह का ऐसा जगह जहाँ पर लोगों को रखा जाता था, मतलब कि एक जेल नुमा होता था, मतलब कि बंदी बना कर रखा जाता था। वेर एनी डाइड इन 1945, जहाँ पे जो एनी होती है वो 1945 में उसकी डेथ हो जाती है। द डायरी रिटन इन डच, जो डायरी था डच नामक एक जगह है वहाँ पर लिखा गया था, वॉज पब्लिश्ड आफ्टर द वॉर बाई एनीज फादर। यानी जो डायरी लिखी हुई थी जो एनी फ्रैंक है यहाँ पर, इसके पापा जो होते हैं सिर्फ वही मेम्बर बचे होते हैं अपने फैमिली में उस वर्ल्ड वार के दौरान, तो वो क्या करते हैं बाद में उस डायरी को पब्लिश कराते हैं, ठीक है, पब्लिकली, जिससे क्या होता है कि सब लोग उसको पढ़ सके। द ओनली सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द फैमिली सिंस देन इट हैज़ बीन पब्लिश्ड इन मोर देन 70 लैंग्वेजेस। यानी सिर्फ वही एक मेंबर बचे हुए थे उस फैमिली के, और जब ये डायरी पब्लिश होता है, ठीक है, छपता है, तो तकरीबन 70 से ज़्यादा लैंग्वेज में इसकी छपाई होती है, ठीक है, इस बुक्स की। तो देखते हैं, राइटिंग ए डायरी इज़ ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। अब यहाँ क्या है, ये एनी फ्रैंक जो है वो अपने मन की बातों को यहाँ के कहती है। क्या कहती है, वो कहती है कि मुझे डायरी लिखना काफ़ी पसंद था, ठीक है, और मैं जिस तरह की लड़की हूँ, ठीक है, ये मेरे लिए काफ़ी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, मतलब काफ़ी अलग अनुभव था डायरी को लिखना। Not only because I have never written anything before, but also because it seems to be that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old school girl. अब यहाँ पर जो एनी फ्रैंक है वो कहती है कि मैं क्या थी, अभी 13-year-old की एक छोटी सी लड़की थी, और मुझे कोई देखता तो ये नहीं कहता कि मैं एक डायरी वगैरह लिख पाती, क्योंकि मुझे इसका बिल्कुल भी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था इस तरह का डायरी वगैरह लिखने में। वो वेल इट डजेंट मैटर आई फील लाइक राइटिंग, ये कह रही है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लिखना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, एंड आई हैव इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। और ये काफ़ी अच्छा चीज़ था कि जो भी चीज़ें यहाँ पर मेरे मन में होती है मैं उसको आसानी से उस डायरी में लिख सकती थी। पेपर हैज़ अ मोर पेशेंस देन अ पीपल, ये कहती है कि एक पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होती है देन किसी इंसान के पास। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन द वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज सिटिंग एट होम विद माय चिन इन माय हैंड। ये जो बातें हैं मैं तब की है बातें जब मैं अकेले अपने घर में, ठीक है, बैठी हुई थी, बोर्ड एंड लिस्टलेस, मतलब काफ़ी बोर महसूस कर रही होती है, वंडरिंग वेदर टू स्टे नॉर गो आउट। और जब मैं घर में बैठी हुई थी तो मुझे ख्याल आ रहा था कि मैं बाहर घूमने जाऊँ या मैं घर में ही रहूँ। I finally stayed where I was, लेकिन मैं finally घर में रही। Yes, paper does have a more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff bag note where grandly referred to a diary. यानी जो मैं डायरी अब लिखने जा रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई भी इस डायरी को ना पढ़े, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल कि, क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज़ के बारे में। सो देखते हैं, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिग डिफरेंस। यानी एक रियल फ्रेंड में और इस डायरी में कोई भी डिफरेंस नहीं था, यानी जो डायरी थी वो मेरे लिए एक रियल फ्रेंड से कम बिल्कुल भी नहीं था।
Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. यानी मेरे पास एक ऑप्शन ये था कि मेरे पास उस समय कोई भी फ्रेंड नहीं था, लेकिन मेरे पास एक ऐसा सोच आया, थॉट आया कि क्यों ना मैं इस डायरी को ही अपना फ्रेंड मान लूँ और जो भी चीज़ें मेरे मन में आ रहा है मैं उस पर लिख दूँ। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, चलो मैं आपको सिंपली तरह से बताती हूँ। ऐसा कौन कह रहा है, ये सारी जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, वो एनी फ्रैंक आपको बता रही है। नो वन विल बिलीव दैट द 13 ईयर ओल्ड गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि जो मैं अभी 13 ईयर की थी तो मैं पूरी तरह से क्या हूँ, ये लोन हूँ, ठीक है, मैं पूरी तरह से अकेली हूँ। एंड आई एम नॉट, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। यानी अभी तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा है, इसका मतलब है कि इसमें आपको लग रहा होगा कि जो एनी फ्रैंक है वो बिल्कुल अकेली है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। एनी फ्रैंक के पास काफ़ी बड़ा फैमिली था। आई हैव अ लविंग पेरेंट्स एंड 16 ईयर्स ओल्ड सिस्टर्स एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। मेरे पास मेरे पेरेंट्स थे, मेरी सिस्टर्स थी, ठीक है, और उसी तरह से कम 30, जो 30 से कम 30 से ज़्यादा ही मेरे क्या थे, फ्रेंड्स थे जिसको मैं फ्रेंड बुला सकती थी। आई हैव अ थ्रॉन्ग ऑफ एडमायरर्स हु कांट कीप देयर अडोरिंग आइज ऑफ मी। यानी मेरे चाहने वाले बहुत लोग थे मेरे फैमिली में, ठीक है, एंड हु समटाइम्स हैव टू रिजोर्ट टू यूजिंग अ ब्रोकन पॉकेट मिरर टू ट्राई एंड कैच अ ग्लिम्पसेस ऑफ मी इन द क्लासरूम। यानी ढेर सारे लोग जो थे वो हमें क्या करते थे, वो हमारी देखभाल करते थे। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट एंड गुड होम। हमारे पास आंट भी थी और हमारे पास प्यारा सा घर भी था। नो वन ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग। यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मुझे, यानी मेरे पास किसी चीज़ की कमी है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। ऐसा लग रहा था कि मेरे पास एक ट्रू फ्रेंड नहीं है, बाकी सब लोग हैं। ऑल आई थिंक अबाउट वेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरी डे थिंग्स। जब भी मैं अपने फ्रेंड से बात करती थी तो मुझे लगता था, ठीक है, कि मैं अपने विचारों को उनके सामने नहीं रख पा रही हूँ, लेकिन जैसे ही मैं डायरी में लिखना चाहती थी तो मैं सारी चीज़ों को लिख लेती थी आसानी से। डोंट कन्फाइड इन ईच अदर इन एनी केस दैट जस्ट हाउ द थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज। यानी तभी क्या हुआ कि कुछ चीज़ें घटित हुई जो सारी चीज़ें चेंज करके रख दिया एनी फ्रैंक के बारे में। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। अब क्या हुआ, जो यहाँ पर जो एनी फ्रैंक है वो अब अपने डायरी को लिखना शुरू करती है। टू इन्हांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड्स इन माई इमेजिनेशन आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। यानी जैसे कि आप लोग देखते होंगे, जैसे कि जब बुक वगैरह होता है ढेर सारे ऑथर्स एक जैसे ही लिखते हैं, लेकिन ये जो एनी फ्रैंक्स है, छोटी सी बच्ची है, वो कुछ अलग तरह से लिखना चाहती थी, अलग तरह से सोचती थी वो। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। लेकिन वो अपने डायरी को बेसिकली एक बुक को ना समझते हुए सिर्फ वो अपने फ्रेंड समझ रही थी। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। और वो उस डायरी को नाम भी देती है, क्या नाम देती है, वो कहती है मैं अब अपनी इस डायरी को किटी कह के बुलाऊंगी। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरी टू किटी इफ आई वर टू प्लंग राइट इन। इससे क्या होगा कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, वर्ल्ड में, वो हमारी स्टोरी को नहीं समझ पाएंगे। हालांकि सिर्फ जो किटी है मेरी फ्रेंड, वही हमारी स्टोरी को समझ सकती है। आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। यानी अब यहाँ पर जो एनी फ्रैंक है वो कहती है कि मैं सारे जो भी चीज़ें हैं हमारी लाइफ की उसको मैं इस डायरी में लिखूंगी, ठीक है, और जो मुझे पसंद नहीं है वो भी चीज़ें मैं इस डायरी में लिखूंगी। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। आई डिडंट मैरी मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड सी वॉज 25। अब यहाँ पर वो जो हम बोल सकते हैं एनी फ्रैंक है, वो अपने पेरेंट्स के बारे में बात करती है। वो कहती है कि जो मेरे फादर थे, ठीक है, वो अभी तक मेरे मम्मी से शादी नहीं किए हुए थे, क्योंकि मेरे फादर की जो एज थी वो थी 36 और जो मम्मी की एज थी वो थी 25 ईयर्स। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन द फ्रैंकफर्ट आई एम इन मेन इन द जर्मनी इन 1926। वो कहती है कि जो मेरी सिस्टर है, पेरेंट्स वो कहाँ रहते थे, जर्मनी में रहते थे उस समय, 1926 की बात है। आई वॉज बोर्न ऑन 12 June 1929। अब वो कहती है मेरा जो जन्म हुआ वो 12 June 1929 को हुआ। आई लिव इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। वो कहती है कि मैं जब
चार साल की थी तो मैं फ्रैंकफर्ट नाम की जगह पर रहती थी। बिकॉज वी वर जेविस, जेविस का मतलब होता है आहूति। वो कहती है कि हम लोग क्या थे, आहूति थे। माई फादर इमिग्रेटेड टू हाईलैंड इन 1933। कहती है कि मेरे जो फादर हैं वो कहाँ चले गए थे, हाईलैंड में चले गए थे 1933 में। When he became the managing director of the Dutch Opecta company, which manufactured product used in making jam, जब मेरे फादर क्या हो जाते हैं, वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाते हैं डच ओकेटा कंपनी में, ठीक है, जिसमें जैम बनाया जाता था। माई मदर एडिथ हॉलैंड फ्रैंक वेंट विद हिम इन द हाईलैंड इन सितंबर। और जो मेरी मम्मी थी, मेरी मदर थी, ठीक है, हाईलैंडर फ्रैंक, वो कहाँ चली जाती हैं, वो भी चले जाती हैं यानी पापा के साथ, ठीक है। वाइल मार्गरेट एंड आई वर सेंट टू द आर्चेन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, यानी दो जो दोनों हम लोग सिस्टर हैं, मार्गरेट और मैं एनी फ्रैंक, हम लोग कहाँ चले जाते हैं, हम लोग को भेज दिया जाता है अपने ग्रैंड मदर के पास रहने के लिए। मार्गरेट वेंट टू द हाईलैंड इन द दिसंबर, लेकिन जो मार्गरेट होती है वो दिसंबर आते वो वहाँ अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं फरवरी में जाती हूँ वहाँ पर। वेन आई वॉज प्लॉन्ग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट, यानी क्या होता था, वेन जब मुझे मिला, आई वॉज प्लॉन्ग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट, जैसे मुझे बर्थडे प्रेजेंट मिला मार्गरेट के लिए टेबल पर, आई स्टार्टेड राइट अवे द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, यानी तब मैं मोंटेसरी नर्सरी स्कूल जाना शुरू कर दी थी। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज सिक्स, मैं जब तक छः साल की नहीं हो गई तब तक मैं अपने ग्रैंड मदर के साथ ही वहाँ पर मोंटेसरी स्कूल में पढ़ रही थी, ठीक है, वहाँ पर रह के। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर उस समय क्या कह रही है कि मैं पहला फॉर्म्स वहाँ पर स्टार्ट किया अपना। इन सिक्स फॉर्म्स माई टीचर वर, फॉर्म्स का मतलब यहाँ पर स्टैंडर्ड, ठीक है, तो वो कह रही है कि मैं सिक्स, मतलब क्लास सिक्स तक वो पढ़ी है। वो अपने टीचर्स के बारे में बताती हैं, उसके जो टीचर का नाम है वो है क्यूप्रस नाम था, ठीक है, हेड मिस्ट्रेस थे। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन द टीयर एज वी सेट अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। अब इसके बाद से जो एनी फ्रैंक है वो अपने टीचर के बारे में बताती है कि हमें जो टीचर हैं और हम है, काफ़ी लगाव हो गया था हम लोगों के बीच में, और जब मुझे वहाँ पर जाना पड़ा, मतलब कि मुझे वो स्कूल छोड़ के जाना पड़ा, तो हम दोनों की आंखों में बहुत ही ज़्यादा आंसू थे। बिकॉज आई वुड बीन एक्सेप्टेड टू द जेविस लाइसियम्स वेयर मार्गरेट आल्सो वेंट टू स्कूल, क्योंकि मुझे अब जाना था अपने सिस्टर के पास जहाँ पे मेरी सिस्टर भी पढ़ती थी उस स्कूल में। आवर लाइफ्स वर नॉट विदाउट एंजाइटी, यानी जो हमारी लाइफ थी बहुत ज़्यादा एंजाइटी भरा हुआ था, ठीक है, बहुत ही भाग दौड़ थी। सिंस आवर रिलेटिव इन जर्मनी वर सफरिंग अंडर हिटलर्स एंटी जेविस लॉ, अब यहाँ पर जो बच्ची है, ठीक है, एनी फ्रैंक, वो कहती है कि हमारे जो रिलेटिव थे जर्मनी में, उस समय क्या था, हिटलर का राज चल रहा था, ठीक है, हिटलर का ऑर्डर चल रहा था उस समय, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो सब। आफ्टर द प्रोग्राम्स इन 1938 माई टू अंकल्स माई मदर्स ब्रदर्स फेल्ड जर्मनी फ्लेड जर्मनी, मतलब कि कुछ समय बाद 1938 में क्या हुआ, जो एनी फ्रैंक के जो अंकल वगैरह थे वो क्या करते हैं, जर्मनी को छोड़कर चले आते हैं कहाँ पर, नॉर्थ अमेरिका में। माई इल्डरली ग्रैंड मदर कम टू लिव विद अस, अब जो हमारी ग्रैंड मदर थी वो हमारे साथ अब रहने के लिए आ जाती हैं। सी वॉज 73 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम, मतलब कि उस समय वो 73 साल की हो गई थी। आफ्टर मई 1940 द गुड टाइम्स वर फ्यू एंड फार बिटवीन, मतलब कि 1940 का समय था वहां पर, मतलब क्या था, ज्यादा मतलब कि हम बोल सकते हैं सही समय भी नहीं था हमारे लिए और ज्यादा बेकार समय भी नहीं था, ऐसा एनी फ्रैंक कह रही है। फर्स्ट देयर वाज अ वॉर, पहली बात वहां पर क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा वॉर चल रही थी, लड़ाइयां चल रही थी। देन द कैपिटुलेशंस एंड देन द अराइवल ऑफ द जर्मन्स विच इज वेन द ट्रबल स्टार्टेड फॉर द ज्यूस, और जर्मनी में क्या हुआ, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा, किसके लिए, यहूदियों के लिए। आवर फ्रीडम वॉज सेवरली रिस्ट्रिक्टेड बाई सीरीज ऑफ एंटी जेविस डेकरेस, और वहाँ पर जर्मनी में क्या होने लगा, जहाँ पर एनी फ्रैंक वगैरह की फैमिली रहती थी, यहाँ पर इन लोगों को कहीं भी बाहर जाने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, मना कर दिया गया। जेविस वर रिक्वायर्ड टू वियर येलो स्टार्स, और जितने भी ये लोग थे जेविस, मतलब कि यहूदी लोग थे, उनको येलो स्टार पहनने के लिए कह दिया गया था। जेविस वर रिक्वायर्ड टू टर्न इन टू देयर बाइसिकल्स, जीव वर फॉरबिडन टू यूज ट्रैम्स, जीव वर फॉरबिडन टू राइड इन कार्स, मतलब कि वो ना ही कार चला सकते थे, ना ही वो सिर्फ बाइसिकल्स वगैरह चला सकते थे, उनको अलाउ किया गया था, ठीक है। जेविस वर रिक्वायर्ड टू डू देयर शॉपिंग्स,
उनको टाइमिंग बता दिया गया था कि इतने टाइमिंग के बीच में उनको क्या करना है, शॉपिंग करना है। जैसे कि अगर शॉपिंग करना है लोगों को 3 बजे शाम से लेकर 5 बजे शाम तक करना होगा, ठीक है। ज्यूस वर रिक्वायर्ड द फ्रीक्वेंट ओनली चेविस ऑन बार्बर शॉप्स एंड ब्यूटी सैलून्स। मतलब कि अगर चेविस जो है, ठीक है, मतलब जो यहूदी है, सिर्फ यहूदियों के पास ही जा सकते हैं बाल वगैरह कटवाने के लिए ब्यूटी सैलून में। Jews were forbidden to be out on the street between 8 PM and 6 AM। मतलब 8 बजे रात से सुबह के 6 बजे तक, ठीक है, इन लोगों को मना किया गया था घर से बाहर आने से। Jews were forbidden to go on theaters, cinemas, ठीक है, कोई भी entertainment area था इनको मना किया गया था, वहाँ नहीं जाना है। चाहे swimming pool हो गया, tennis court हो गया, hockey हो गया, कोई भी sport activity है इनको मना कर दिया था, वहाँ भी नहीं जाना है आप लोगों को, ठीक है। कोई athletic एक्टिविटी है पब्लिक में, जहाँ पब्लिक वगैरह जाता है वहाँ भी नहीं जाना है। ये सारी चीज़ें थी। दोज ऑफ देयर फ्रेंड्स आफ्टर PM जी वर फॉरबिडन टू विजिट क्रिश्चियंस इन देयर होम्स। क्रिश्चियंस भी नहीं जा सकते थे। जी वर रिक्वायर्ड टू अटेंड जेविस स्कूल। जो यहूदी थे वो यहूदियों वाला स्कूल ही अटेंड कर सकते थे, ना कि वो किसी पब्लिक स्कूल में जाके वो पढ़ सकते थे। यू कुडंट डू दिस एंड यू कुडंट डू दैट। मतलब यहाँ पे जो हिटलर का जो हम बोल सकते हैं जो ऑर्डर चल रहा था, जो हिटलर का जो राज चल रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि तुम ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, यहाँ नहीं जा सकते हो, वहाँ नहीं जा सकते हो, मतलब सारी चीज़ें उनको प्रतिबंधित कर दिया गया था। जॉक ऑलवेज सेड टू मी आई डोंट डेयर टू डू एनीथिंग मोर कॉज आई अफ्रेड इट्स नॉट अलाउड। जैक ऑलवेज, जैक क्या है, बेसिकली कोई फ्रेंड होगी, वो कह रही है एनी फ्रेंड से कि मुझे, ठीक है, मुझे कुछ कहना है, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, ठीक है, सॉरी, वो कहती है आई डोंट डेयर टू डू एनीथिंग मोर एनी मोर। मतलब कि मैं और कुछ नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली में अलाउ नहीं हूँ। अगर किसी ने मुझे देख लिया कुछ उटपटांग चीज़ें करते हुए तो लोग क्या करेंगे, मुझे पनिशमेंट देंगे। इन द समर 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। अब 1941 की बात है, जो एनी फ्रैंक की ग्रैंडमा होती हैं वो बीमार हो जाती हैं और उनको ऑपरेशन करवाना पड़ता है। सो माई बर्थडे पास्ड विद अ लिटिल सेलिब्रेशन। इसलिए जो एनी फ्रैंक है वो कहती है कि दादी जी का तबीयत खराब होने के कारण हमारा जो सेलिब्रेशन था बर्थडे का वो बहुत ही छोटा सा हुआ। इन द समर ऑफ 1940 वी हैडन्ट डन मच फॉर माई बर्थडे आइदर। 1940 का समय था, समर का सीजन था, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं किया गया एनी फ्रैंक के बर्थडे के लिए। सिंस द फाइटिंग हैड जस्ट एंडेड इन हाईलैंड। हाईलैंड में भी जल्दी क्या हुआ था, फाइटिंग समाप्त हुआ था। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942 और जो मेरी ग्रैंडमा थी वो 1942 में जनवरी के मंथ में उनका डेथ हो जाता है। नो वन नोज हाउ ऑब्टेन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई भी नहीं जानता कि मैं अपने दादी जी से कितना प्यार करता हूँ, ऐसे एनी फ्रैंक कहती है। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर्स एंड ग्रैंडमास कैंडल्स वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। और वो कहती है कि जो मेरा बर्थडे है, ठीक है, 1942 में, यहाँ पे क्या हुआ कि मेरे बर्थडे का जो कैंडल है और जो मेरे दादी जी का जो कैंडल है वो साथ में जलाया गया था, क्योंकि उनकी दादी जी का क्या हो गया था, डेथ हो गई थी, तो दोनों लोग क्या कर रहे थे, उसके साथ ही उनका भी कैंडल जलाया गया था। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल एंड दैट्स ब्रिंग मी द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 June 1942 एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। इसके बाद से फोर ऑफ अस, मतलब कि उनके फैमिली में 4 लोग अभी सेफ थे, ठीक है, अच्छे से थे, और जो बर्थडे था कब था, 20 June 1942 का इनका बर्थडे था, ठीक है, और जो कि सब लोग क्या कर रहे थे, जो डायरी में लिखा गया था उसको डेडिकेट कर रहे थे सारे लोग, ठीक है, एनी फ्रैंक की डायरी को। सो, ये थी पूरी स्टोरी इस चैप्टर का। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।